एवरीवन, आज हम एंगल या कोण के बारे में समझेंगे। कोण को समझने से पहले हमें लाइन रेखा के बारे में समझना होगा। एक सीधा पथ जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती हो उसे लाइन कहते हैं। यह एरो आप जो देख पा रहे हैं यह यही रिप्रेजेंट करता है, यह अनंत तक जाती है। दो रेखाओं के एक बिंदु पर मिल जाने से कोण बनता है। मान लेते हैं कि यह एक रेखा है और यह एक रेखा है, वह किसी बिंदु O पर मिलती है तो हमें एंगल प्राप्त होता है। टाइप ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, एंगल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल की भांति। यह एक 90 डिग्री का कोण है बना हुआ है, इसलिए इसे समकोण कहेंगे। एक्यूट एंगल, न्यून कोण। जब थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तब हम उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं पी क्यू आर 45 डिग्री है, जो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए यह न्यून कोण है। अधिक कोण, जब थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तब इसे हम अधिक कोण कहेंगे। एक्स वाई जेड 120 डिग्री है, जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है, इसलिए यह अधिक कोण है। स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, आप देख पा रहे हैं जैसे ये रेखा है जिसमें स्ट्रेट बनी हुई है, 180 डिग्री है थीटा का मान, इसलिए इसे स्ट्रेट एंगल या सरल कोण कहेंगे। रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण। जब थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो तब हम उसे रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ये जो डायग्राम है वह रिफ्लेक्स एंगल का है। पूर्ण कोण, जब थीटा का मान 360 डिग्री, पूर्ण मतलब कंप्लीट, ये 360 डिग्री का कोण है, इसे हम कंप्लीट एंगल कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल, पूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वह पूरक कोण कहलाते हैं। मान लेते हैं कि यह एक कोण और यह एक कोण का यदि सम किया जाए कोणों का तो हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है, तो यह एक पूरक कोण है। एग्जाम्पल के तौर पर 59 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और 31, 45 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और 45। आप दो कोणों का यदि मान 90 डिग्री होता है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। संपूरक कोण, यदि दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है तो हम उसे संपूरक कोण कहेंगे। मान लेते हैं ये ए कोण है और यह बी कोण है, इन दो कोणों का मान 180 डिग्री है तो हम इसे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। दो कोण का होना जरूरी है आसन्न कोण के लिए। आसन्न कोण वही कोण बनाती हैं जो इस जब वह दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। पहला कंडीशन ये है कि उनका शीर्ष बिंदु एक हो और उनका उभयनिष्ठ भुजा एक हो। आसन्न कोण दो कोण मिलकर बनाती हैं। यहाँ पर देखिए ए ओ बी एक कोण है, बी ओ सी दूसरा कोण है। ए ओ बी ओ सी का शीर्ष बिंदु ओ है जो कि उभयनिष्ठ है, एक ही है उनका एक शीर्ष बिंदु, इन दोनों कोण का एक ही शीर्ष बिंदु है। ए ओ बी बी ओ सी का ओ बी उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए यह आसन्न कोण है। लीनियर पेयर किसे कहेंगे? रेखीय युग्म। यदि ऐसे दो कोण जो आसन्न कोण हो, आसन्न कोण है तो इसका मतलब ये है कि उनका एक शीर्ष बिंदु है सी और बी का, यह सी और ए कोण का शीर्ष बिंदु एक है और इसकी उभयनिष्ठ भुजा भी एक है। इसका मतलब ये है कि यह आसन्न कोण है किंतु साथ में इन दोनों कोण, कोण सी कोण ए का मान यदि मान 180 डिग्री हो, इट मीन्स यदि दो कोण आसन्न कोण का कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं और साथ ही उन दोनों कोणों का सम करने पर
एंगलों का सम, उन दोनों कोण का जो एंगल है, सी का 95 दिया गया है, ए का 87 दिया गया है, इन दोनों एंगल को यदि सम करने पर हमें 180 डिग्री ऐसी कंडीशन मिल जाती है, तब हम उसे लीनियर पेयर या रेखीय युग्म कहेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो हमें शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म बनते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सी बी एक रेखा है, डी बी एक रेखा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो हमें से दो युग्म शीर्षाभिमुख के प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? सी ओ डी एक और बी ओ ए, यह है एक शीर्षाभिमुख कोण का एक युग्म हुआ। दूसरा युग्म सी ओ बी डी ओ ए, ये दूसरा शीर्षाभिमुख युग्म हुआ। इस प्रकार दो हमें शीर्षाभिमुख कोण के युग्म प्राप्त होते हैं। और हमेशा याद रखिए, शीर्षाभिमुख कोणों का मान सदैव समान होता है, इसलिए जो एंगल 4 है और यहाँ पास जो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। और इस पार जो 1 लिखी हुई है और इस तरफ जो 3 लिखी हुई, इन दोनों का मान इक्वल होंगे। इट मीन्स हमें सी ओ बी की जो एंगल का मान होगा वह डी ओ ए एंगल के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार सी ओ डी एंगल का जो मान होगा वही बी ओ ए एंगल का भी होगा।